अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 के लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट लाइंस, और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट वन है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो आपका चैप्टर है सरल रेखाएँ यानी स्ट्रेट लाइन्स, ये चैप्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंथी चैप्टर है यानी काफ़ी लंबा चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपके बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। अगर अभी तक आपने कभी सरल रेखा नहीं पढ़ा फिर भी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूला बेस पे ही सॉल्व होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे दिया हुआ है सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। तो चलिए देखते हैं आखिर सरल रेखा होती क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी रेखाखंड को दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ाने पर प्राप्त वक्र सरल रेखा कहलाती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ाने पर, यहाँ पर अनंत तक बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे अनंत लिखते नहीं है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, एरो का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों तरफ अनंत शब्द लिखने की बजाय दोनों तरफ हम तीर का प्रयोग करते हैं, जो यह बताता है कि रेखा की लंबाई क्या है, अनंत है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे अनंत लिखते नहीं बल्कि इसकी जगह क्या करते हैं, एरो का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनंत लिखा हुआ है ना, तो हम इसको लिखते नहीं बस एरो का यूज करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सरल रेखा हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सरल रेखाओं के समीकरण के विभिन्न रूप। तो यहां से आपके बेसिक फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अच्छे से आज याद जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पे बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा यहां पर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका यहां पर दिया हुआ है एक्स अक्ष का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, यहीं से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ाया था, निर्देशांक ज्यामिति, एक चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था चतुर्थांश के बारे में, क्या बताया था, चतुर्थांश के बारे में बताया था। एक बार मैं फिर से आज आपको यहाँ पर बता देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हम उसका यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें चतुर्थांश का यूज करना ही करना होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। तो जैसा कि देखिए आपके सामने यहां पे फिगर बना हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां पे एक्स लिखा, यहां पे एक्स प्राइम, ऊपर लिखा वाई और नीचे लिखा वाई प्राइम, ठीक है। और मैंने आपको चतुर्थांश में क्या बताया था कि पहले चतुर्थांश में यह आपका फर्स्ट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ठीक है। ये दूसरा चतुर्थांश यानी तृतीय, फिर उसके बाद ये तीसरा चतुर्थांश, ये नीचे वाला, ये वाला हो गया, और ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है यानी फोर्थ वाला। तो पहले में क्या होता है, पहले में आपका प्लस प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस प्लस होता है, ये मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया हुआ है ऑलरेडी। दूसरा आपका माइनस प्लस होता है, तीसरा आपका जो होता है वो माइनस माइनस यानी दोनों माइनस यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, फिर उसके बाद फोर्थ वाला प्लस होता है और उसके बाद यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है।
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये आपका चतुर्थांश हो गया। ये प्लस प्लस कैसे आया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। एक बार मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है। तो जो आपका ये एक्स एक्सिस इस साइड होता है, इधर के साइड में, इधर जो आपकी वैल्यूज होती हैं, ये मूल बिंदु आपका हो गया, जैसा कि आप देख सकते। ये देखिए यहाँ पे आपका ये मूल बिंदु, यहाँ पे जीरो लिखा ना, ये मूल बिंदु आपका हो गया। जब मूल बिंदु से इधर आएंगे इस तरफ, तो इधर की जितनी वैल्यू होंगी एक्स एक्सिस के लिए वो क्या होंगी, प्लस होंगी। जैसे एक दो तीन, ये सब क्या होगा, प्लस में होगा। अगर हम मूल बिंदु के इस साइड आते हैं जहां पे x प्राइम लिखा हुआ है, इधर आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। x की जितनी वैल्यूज होंगी क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यही y एक्सिस में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी वैल्यूज y एक्सिस की क्या होंगी, प्लस होंगी। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस होंगी। तो पहले में आपका कितना पार्ट आ रहा है, ये इतना पार्ट जो आ रहा है, इसीलिए वाई वाला भी इधर प्लस है और इधर एक्स वाला ये भी प्लस है, इसीलिए पहले में आपका प्लस प्लस होता है। इसी तरीके से और सब चतुर्थांश आपके होते हैं। तो ये डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति में, आप उस वीडियो को जाके देखिए, वहां पे आप समझ जाएंगे चतुर्थांश क्या होता है। यहां पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो हम यहां पे आ जाते हैं समीकरण पे। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे वाई क्या होगा, एक्स अक्ष पे वाई आपका हो जाएगा जीरो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यानी एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर जीरो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहला आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, बेसिक हो गया, ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा है। जब भी आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होता है, जीरो होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आते हैं सेकेंड वाले पे। अब हमने एक्स पढ़ा, तो एक्स के बाद अब वाई वाला पढ़ेंगे, यानी वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, यानी वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। यहाँ पे आपका एक्स हो गया, ये एक्स प्राइम, ऊपर वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई प्राइम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, वाई अक्ष का समीकरण पूछा है। वाई अक्ष का मतलब ये वाला, ये वाली लाइन आएगी ना, यही तो आपका वाई एक्सिस है। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर जीरो होता है, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये आपका वाई अक्ष का समीकरण हो गया। तो ये आपके एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई बराबर आपका जीरो होता है। अगर यही आपसे पूछा जाए कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो वाई पे एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। कितने सिंपल वे पे आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड वाला, यहाँ पे लिखा है कि एक्स अक्ष के समांतर, क्या लिखा है, समांतर यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्स अक्ष के समांतर तथा एक्स अक्ष से ए दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष के समांतर तथा एक्स अक्ष से ए दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, y is equal to a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y is equal to a, लेकिन यहां पे एक कंडीशन लिखी हुई है कि यदि रेखा y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर हो, क्या हो, y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर। अब आप फिगर में आइए, यहां पे आपके सामने एक फिगर बना हुआ, इस फिगर को समझ लेंगे तो आप ये बड़े आसानी से समझ जाएंगे। क्या लिखा है, x अक्ष के समांतर। तो सबसे पहले x एक्सिस ये देखिए, ये आपका रहा x एक्सिस, x अक्ष के समांतर, ठीक है, तथा x अक्ष से a दूरी पर। तो x अक्ष से ये दूरी, ये a दूरी पर, जैसा कि आप देख सकते हैं a दूरी आपकी यहाँ पे है, a दूरी पर, और समांतर कहा है ना x अक्ष के, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लाइन एक खींची हुई है, ये x अक्ष के क्या है, समांतर ही तो है, x अक्ष के समांतर और x अक्ष से a दूरी पर। तो a दूरी आपकी यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हुई a वाली दूरी। तो a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण y बराबर a, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यदि रेखा y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर हो, तो रेखा जो आपकी है ये y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर तो ही है, इधर ऊपर जो आपका y एक्सिस होता है वो प्लस ही तो होता है, धनात्मक ही तो होता है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब चलिए आते हैं आगे। अब दूसरा, जैसा कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए कब होगा? यदि रेखा y अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर हो। तो यहाँ पे ये देखिए सेम वही समांतर है, ठीक है, ए दूरी पर है, लेकिन जो आपकी रेखा यहाँ पे आ गई ये y अक्ष की किस तरफ है? ऋणात्मक तरफ है, क्योंकि y एक्सिस नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होती है? निगेटिव हो जाती है। क्या होती है? निगेटिव हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा यदि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यदि रेखा जो आपकी है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, ठीक है, y बराबर a होता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है? जब y जो रेखा आपकी है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर हो। अगर ऋणात्मक की तरफ हो जाएगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो इसको भी अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है, उसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्थ वाला, अब यहाँ पे y अक्ष के समांतर आ जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने x अक्ष के समांतर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे y अक्ष के समांतर। फोर्थ वाले पे आइए, तो यहाँ पे लिखा है y अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि y अक्ष के समांतर तथा y अक्ष से b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले देखिए y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर ये एक रेखा जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे खींची हुई है, ठीक है। क्या खींची हुई? एक रेखा खींची हुई है। तो आपका समीकरण यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है? x इज इक्वल टू बी आया है। क्या आया है? x इज इक्वल टू बी। कंडीशन क्या है? कि यदि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर हो। तो ये आपका x अक्ष है, x अक्ष की धनात्मक दिशा आपकी यही होती है इधर वाला। तो ये रेखा आपके सामने यहाँ पे खींची हुई है, ये देखिए ये क्या है? ये y अक्ष के क्या है? y अक्ष के समांतर है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, समांतर है। फिर क्या कह रहा है कि y अक्ष से b दूरी पर स्थित। तो ये y अक्ष से b दूरी ये आपकी हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखी नहीं यहाँ पे b दूरी, ठीक है। b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू b होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यदि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर हो। तो रेखा आपकी क्या है? x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर तो है, इधर आपका धनात्मक ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, यदि रेखा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर हो। तो यहाँ पे ये आपका x एक्सिस ये वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऋणात्मक किधर आएगा? मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु से इधर की तरफ ये जितना होगा ये ऋणात्मक वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यदि रेखा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर हो तब आपका क्या हो जाएगा समीकरण? x इज इक्वल टू माइनस बी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, सेम ऊपर की तरह है, बस यहां पे y एक्सिस आ गया, तो इक्वेशन हमारे चेंज हो गए हैं। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी, जब धनात्मक दिशा की ओर होगा तो x इज इक्वल टू आपका बी होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो x इज इक्वल टू आपका माइनस बी होगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले, इसको एक बार अच्छे से जरूर लीजिएगा, बस आपको फिगर पे ध्यान देना है। अगर आपका x और y एक्सिस क्लियर है, ये आप जानते हैं x y एक्सिस बनाया, ये x आपका हो गया, ये x प्राइम इधर लिखते हैं ऊपर y और इधर लिखते हैं y प्राइम, इधर जो आपका x एक्सिस होता है इस दिशा की तरफ ये क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है, इधर की वैल्यूज प्लस होती हैं, और जब इधर मूल बिंदु से यानी जीरो से इधर आएंगे ये निगेटिव हो जाता है, ऐसे ऊपर y आपका प्लस, नीचे आने पर माइनस, बस इतना आपको ध्यान रखना, सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवर्ता अंताखंड रूप, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं आखिर प्रवर्ता अंताखंड रूप होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से θ
थीटा कोण बनाती हो। एक्स अक्ष आपका ये रहा, ये आपकी इधर की धनात्मक दिशा हो गई और यहाँ पे थीटा कोण भी बन रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती हो तथा उसके द्वारा वाई अक्ष पर कटा अंताखंड क्या हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका वाई एक्सिस है और इस पर कटा अंताखंड आपका क्या हो, सी हो। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या हो, सी हो। तो सी आपका अंताखंड हो गया। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाता है, तब रेखा का समीकरण हो जाता है y इज इक्वल टू आपका एम एक्स प्लस सी हो जाता है। और जहां पे m इज इक्वल टू क्या होता है, तो m इज इक्वल टू आपका होता है tan थीटा। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रवणता यानी स्लोप के बारे में आपको बताया गया कि यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती हो तब प्रवणता क्या हो जाएगा। प्रवणता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। प्रवणता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यही इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है। कंडीशन है कि यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण, तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है, थीटा कोण बन रहा है x अक्ष की धनात्मक दिशा से, ठीक है। तब प्रवणता क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी tan थीटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऊपर हमारा क्या मिला था हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, जो इस बार क्लास टेंथ के स्टूडेंट है उनको जरूर पता होगा इस फॉर्मूले के बारे में। नहीं पढ़ा तो आज देख लीजिए, इन सबको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बिंदु प्रवणता रूप, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई रेखा बिंदु एक्स वन वाई वन से होकर जाती हो तथा उसकी प्रवणता क्या हो, एम हो, क्या हो, प्रवणता m हो, तब रेखा का समीकरण क्या होता है। तब रेखा का समीकरण आपका होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, उसके बाद x माइनस एक्स वन आपका होता है ब्रैकेट के अंदर। तो ये फॉर्मूला तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का यूज कई क्वेश्चन में हम करेंगे। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा और वैसे ही आप इस फॉर्मूले को समझ जाएंगे इसका यूज हमें यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई रेखा बिंदु एक्स वन वाई वन से होकर जाती हो तथा उसकी प्रवणता क्या हो, m हो। अभी ऊपर मैंने क्या बताया कि m आपकी क्या होती है, प्रवणता होती है। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो रेखा का समीकरण आपका y minus y1 is equal to m x minus x1। यहाँ पे m क्या है, आपकी प्रवणता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर आपका x1 y1 क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप समझ जाएंगे इस फॉर्मूले का यूज हमें कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेवंथ नंबर पे। तो सेवंथ नंबर पे आपका लिखा है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिखा कि यदि कोई रेखा दो बिंदुओं एक्स वन वाई वन, ये आपके बिंदु होते हैं, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड तो वहाँ पे एक्स वन वाई वन की जगह आपको कोई पॉइंट्स दिए होंगे, दो तीन, आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई रेखा दो बिंदुओं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से होकर जाती है तब रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आज ही, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज कई क्वेश्चन में हमारा होगा, तो इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, नोट करके एक पॉइंट हमारा लिखा है कि बिंदुओं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता आपकी हो जाएगी एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं क्योंकि ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कि बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए तो कैसे बताएंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो बताएंगे ना। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अंताखंड रूप। तो अंताखंड रूप ये आपने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई रेखा एक्स और वाई अक्षों पर क्रमशः अंताखंड ए और बी काटती हो तब रेखा का समीकरण क्या होता है। तब रेखा का समीकरण हमारा होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन हो जाता है। बेसिक सा फॉर्मूला, सिंपल सा, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, यदि कोई रेखा एक्स और वाई अक्षों पर क्रमशः अंताखंड ए जैसा कि आप देख सकते हैं और बी काटती हो, ठीक है, ये आपके अंताखंड हो गए, तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस आपका है, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी हो जाएगा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आपसे पूछा जाए कि अंताखंड रूप का समीकरण क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन होता है। ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लंब रूप, ठीक है। और ये लंब रूप वाला समीकरण आपसे पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में, सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछा गया था और कुछ नहीं, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं आखिर परपेंडिकुलर फॉर्म होता क्या है। यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी हो तथा लंब एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता हो तब रेखा का समीकरण क्या होगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक 2018 में, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी आपका हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो, पी हो। तो यहाँ पे आपके सामने मूल बिंदु जीरो है, इससे एक लंब यहाँ पे डाला गया, इसकी लंबाई क्या है, पी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तथा लंब एक्स अक्ष से क्या हो, अल्फा कोण बनाता हो। तो यहाँ पे ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आपके सामने फिगर बना हुआ है, अल्फा कोण बना रहा है, तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप फिगर से ही यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपके सामने फिगर में बना हुआ है, बस और कुछ नहीं। बस आपको ध्यान रखना, जब भी आपसे परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन पूछा जाए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये आपका होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है व्यापक रूप, यानी जर्नल फॉर्म आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो किसी रेखा का व्यापक समीकरण निम्न है, ये आपने पढ़ा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जर्नल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नोट करके लिखा है कि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की प्रवणता क्या होती है, माइनस ए अपॉन बी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो अभी आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, जब तक आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व नहीं करेंगे ये प्रवणता वाला आपको समझ में आने वाला नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको यहां पे 10 पॉइंट्स बताए हुए हैं, यानी फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने बहुत जरूरी हैं, और इसके अलावा भी हमारे अभी बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपका लेंथी है, तो हम इसको 5 से 6 पार्ट में फिनिश करेंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो हम हर एक टाइप के एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही। जैसे मान लीजिए इस चैप्टर में आपके करीब 40 से 45 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सभी तो हम कर नहीं पाएंगे, और जैसा कि आप सब लोग जानते कि 45 क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन एक ही तरीके के होते हैं, तो हम हर एक टाइप के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पे कि रेखा 8x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 द्वारा अक्षों पर कटे अंताखंडों का मान ज्ञात कीजिए। अभी ऊपर ही मैंने आपको अंताखंडों का समीकरण बताया है कि नहीं बताया, क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, अभी मैंने आपको बताया है, ये देखिए अंताखंड रूप का समीकरण आपके सामने है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे दी गई रेखा को लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, 8x plus 4y minus 16 is equal to 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने लिखा कि दी गई रेखा आपकी क्या है, 8x plus 4y minus 16 is equal to 0। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 8x plus 4y, जो ये आपका minus 16 है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे 0 के इधर। तो इधर आके आपका क्या हो जाएगा, ये plus 16 हो जाएगा, और 0 और plus 16 बराबर 16 ही तो आपका हो जाएगा, 0 तो अब यहाँ पे रहा नहीं। तो क्या हो गया, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 हो गया। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही सॉल्व करना था, ये नहीं कि आप जीरो को लेकर ही सॉल्व करने लगे तो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। इस 16 को हमने ट्रांसफर किया इधर, तो ये प्लस हो गया और जीरो से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, अब हमें मिल गया इक्वेशन यहाँ पे 8x plus 4y is equal to 16। अब क्या करेंगे, अंतःखंड का जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ा उसी के रूप में इसको हम लिख देंगे, अप्लाई कर देंगे। वो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है, हमें इसको 1 बनाना है। कैसे बनेगा, 16 से ही भाग कर देंगे, 1 बन जाएगा बड़े आसानी से। तो क्या हो जाएगा, 8x अपॉन 16 फिर प्लस 4y अपॉन 16, और यहाँ 16 से ही तो कर रहे हैं, 16 से यहाँ पे डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, तो ये 16 से 16 कट के क्या हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में हो गया हमारा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसको हम आगे सॉल्व करते, ये तो हमारा 1 हो गया, लेकिन अभी ये हमें सॉल्व करना है। तो 8 वन ज़ा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 टू ज़ा 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 60 हो जाएगा। तो ऊपर 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, तो एक का गुणा एक्स में करेंगे एक्स ही आएगा, और बाई 2 आपका हो जाएगा, यानी एक्स बाई 2 आपका हो गया। अब ऊपर एक का गुणा y में करेंगे y ही होगा, और नीचे आपका 4 आ गया, यानी y बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब उसी इक्वेशन को लिखेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे बस, कुछ नहीं करना है। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, x अपॉन a है, तो a की जगह हमारा क्या है, 2 है ना, तो a बराबर हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। फिर y अपॉन b होता है, b की जगह आपका क्या है, 4 है, तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बस यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अतः दी गई रेखा x तथा y अक्षों पर क्रमशः, x पर आपका 2 इकाई और y पर आपका 4 इकाई, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कीजिए, 2 और 4 कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 4 आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। और ये भी देखिए, आपको यहाँ पे 4 और 2 भी दिया है, लेकिन 4 तो आपका वाई वाला था, फोर तो आपका y वाला था, हमें सबसे पहले x वाले को बताना है। x वाला हमारा क्या आएगा, x वाला 2 है और y वाला 4 है, तो हमें क्रम से लिखना है, ये नहीं कि पहले y का बताएं फिर x का बताएं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई तो लिखा नहीं है, एक्स वाई के फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपके नंबर्स लिख दिए गए हैं। तो 2 और 4 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम अंतःखंड वाले क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपके कई क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि एग्जांपल आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं अपने बुक के, क्योंकि एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं और एग्जांपल्स पर ही आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि उस त्रिभुज की ए बी भुजा का समीकरण ज्ञात करो जिसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक ए यानी 0,1, बी 2,0 तथा सी -1, -2 है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ए बी का समीकरण ज्ञात करना है। क्या, ए बी भुजा का समीकरण हमें ज्ञात करना है त्रिभुज में, यानी हमें कितने बिंदु यहाँ पे यूज़ करने हैं, ए और बी का यूज़ करना है। ठीक है, सी से हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, ए और बी को लेकर ही हम चलेंगे यहाँ पे, और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें कितने बिंदु यहाँ पे लेके चलने हैं, एक तो ए वाला हो गया और दूसरा बी वाला, यानी यहाँ पे 2 बिंदुओं वाला समीकरण लगेगा, 2 बिंदुओं के, जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है और कहा था अभी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कराऊंगा। तो ये वाला 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यही वाला फॉर्मूला अभी हम लगाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, यहाँ पे
तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो बिंदुओं को लेकर चलना है। निर्देशांक आपको तीनों दिए हैं ए बी सी, लेकिन पूछा क्या है, ए बी भुजा का समीकरण पूछा है बस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निर्देशांक लिख दिए, ए का 0.1, बी का 2.0 और सी का -1, -2। सी से हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ भुजा ए बी का समीकरण निकालना है। तो ए बी के लिए कौन कौन से निर्देशांक लेंगे, ए को लेंगे और बी को लेंगे बस। तो ए बराबर आपका 0.1 है, बी बराबर 2.0 है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए आपका ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया। x1y1 क्यों माना, क्योंकि आपके फॉर्मूले में आता है x1y1 आएगा यहां पे, ठीक है, इसीलिए यहां पे। तो उसके बाद x2y2 माना। अब हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 अपॉन में आपका x2-x1 होता है और x-x1 होता है। ये फॉर्मूला मैं आपको ऊपर चल के फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा आपका फॉर्मूला दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दो बिंदु ही तो है, हमें ए और बी का समीकरण ही तो याद करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भुजा ए बी का ही तो हमें समीकरण निकालना है यहाँ पे, इसीलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले y-y1, तो y तो आपका ऐसा ही रहेगा, y में हमें कोई चेंज नहीं करना है। y1 की वैल्यू ये आपके सामने रही 1, तो y के बाद माइनस का साइन, माइनस ऐसे ही रहेगा। y1 की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे। y2-y1, y2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 लिखूंगा। उसके बाद y1 की वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं 1 है, और फॉर्मूले में आपका माइनस है, तो -1 आपका हो जाएगा। फिर अपॉन में x2-x1, तो x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 0, यानी 2 में से 0 को लेस करेंगे। फिर x-x1, तो x की जगह x ही रहेगा और x1 की वैल्यू ये 0 आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये मैंने कर दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं 2 में से 0 को लेस करूं तो 2 ही तो आएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी y-1 से। तो 2 लिखा और y-1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऊपर वाले पे, 0 में से 1 को लेस करोगे क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 ही तो मिलेगा। 0 में से 1 को लेस करेंगे -1 मिलेगा, और -1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, x-0 में, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब चलिए आते हैं अगले स्टेप में, 2 की मल्टीप्लाई y में, 2y हो जाएगा। फिर माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, 2 हो गया। 1-1 की मल्टीप्लाई x में, -1 × x आपका क्या होगा, -x ही तो होगा आपका। और 1 की मल्टीप्लाई 0 में, तो 0 से हमें कोई मतलब ही नहीं, x में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, -x मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे पक्षांतर करना है और कुछ करना ही नहीं है। -x है, इसको इधर भेज देंगे तो ये +x हो जाएगा, ठीक है। x और +2y, और ये -2 इधर चला आएगा, और बराबर के ये प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस, और ये -x इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x+2y = 2, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। पक्षांतर के समय आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ये -x है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर x प्लस हो गया, और 2y तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, तो +2y, और ये जो -2 था इसको इधर ले जाएंगे बराबर के, +2 हो जाएगा, यानी x+2y = 2। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है, x+2y = 2, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एग्जांपल भी है, ये आप एग्जांपल्स आपके ज़्यादा पूछे आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपका रिलेटेड है चतुर्थांश से, इसीलिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में चतुर्थांश बताया हुआ था, उसका रीज़न यही था। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि रेखा x/3 + y/4 = 1 जिन चतुर्थांशों से होकर जाती है वह है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंताखंड के रूप में लिखा है, यानी x/a + y/b = 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेखा x/3 + y/4 = 1। अब इनकी हम तुलना करवाएंगे किससे, अंताखंड वाले समीकरण से, x/a + y/b = 1 से तुलना कराने पर। तुलना कराएंगे तो हमें यहाँ पे a की जगह क्या मिलेगा, x/a लिखा है ना, तो a की जगह हमें ये 3 मिल जाएगा, यानी x/3 है ना, तो x/a की जगह 3, और b की जगह हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। a बराबर 3 और b बराबर 4 मिल गया। तो अब मैं आपको इसका फिगर बना के दिखा देता हूँ, फिगर बना के दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिगर आपके सामने है, ये x एक्सिस,
ये वाई एक्सेस आपका हो गया, ठीक है। एक्स एक्सेस में ये इधर की साइड जो आपकी होती है ये प्लस होती है, और जब मूल बिंदु से इधर जाएंगे यानी लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इधर वाला पार्ट निगेटिव। इसी तरह वाई एक्सेस में ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ आपका क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए जो ए बराबर तीन है ये भी आपका प्लस है, प्लस है, माइनस तो लगा नहीं, और बी बराबर जो आपका चार है ये भी आपका प्लस है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे आते हैं मूल बिंदु से इस तरफ एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में आपका 3,0 हो जाएगा, ठीक है। ए तो आपका 3 है और वाई बराबर आपका तो 0 ही होगा, अभी ऊपर ही मैंने आपको इक्वेशन बताया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आपका वाई बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो 3 तो आपका एक्स वाला हो जाएगा क्योंकि ए बराबर हमें 3 मिला था ना, एक्स अपॉन ए आपका होता है और प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो एक्स बराबर एक्स अपॉन ए की जगह हमें 3 मिला था, तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीसरा यहाँ पे आएगा, ये मैंने 3 लिखा, उसके बाद एक्स वाला तो 3 हो गया, लेकिन y वाला क्या होगा, y वाला 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, तो 3,0 ये आपका हो गया, ये मैंने लिखा। अब चलिए लिखते हैं y वाले को, y वाला हमें क्या मिला है, b बराबर 4 मिला है, ये y वाला ना b बराबर 4 मिला है। अब y एक्सिस पे x बराबर 0 होता है तो x की जगह तो 0 ही लिखेंगे, y की जगह क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी 0,4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखा और 4 लिखा, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस में, तो ये आपका 4 हो गया। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किन चतुर्थांशों से होकर जाएगी ये रेखा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे रेखा खींच के दिखाता हूँ, यहाँ से मैं खींचता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3,0 तो 3 तक, इस 3 से और यहाँ पे ये 4, यहाँ से मैं इस रेखा को मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ तक होती हुई जाएगी, जैसा कि रेखा यहाँ तक खींची चली आ रही है तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक तो पहले में तो आ ही रही है, पहले में तो है ही है, ये पहले चतुर्थांश में तो है ही। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे सेकंड वाले में भी है, सेकंड वाले में वाई एक्सिस आपका यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, ये रेखा यहाँ तक जाएगी, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रोक देंगे, ये इतने तक जाएगी यहाँ पर रेखा, तो दूसरे में भी आ रही है और चौथे में भी आपकी आ रही, यानी फर्स्ट में, सेकेंड में और फोर्थ में, इन 3 चतुर्थांश में आपकी आ रही है। लेकिन ये वाले में देखिए, ये चौथ जैसा कि आप देखिए, तीसरे वाले में तो रेखा कहीं आ ही नहीं रही है, कहाँ आ रही है, कहीं टच हो रहा है, यहाँ से कोई पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो तीसरे में तो नहीं है। तो किस किस में है, पहले में है, दूसरे में है और चौथे में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेखा आपके सामने खींची हुई है, ये फर्स्ट में भी आ रही है, ये इतना इतना हिस्सा इसका सेकेंड में भी आ रहा है और इतना हिस्सा ये आपका फोर्थ में भी आ रहा है। तो यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। नीचे देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दी गई रेखा अपने अंतःखंड रूप में दी गई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो धनात्मक x और y अक्षों पर क्रमशः 3 और 4 इकाई के अंतःखंड काटती है, अतः रेखा बिंदु 3,0, 0,4 से होकर जाएगी, अतः दी गई रेखा पहले, दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर जाती है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए पहला, दूसरा और चौथा कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ये ऑप्शन बी में। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। तो चतुर्थांश मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में ही बता दिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए और 3 क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर लेंथी है, हम इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।